हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में एक बहुत ही झटपट से बनने वाली चिकन रेसिपी, जो कि है मेरी नानी के स्टाइल की रेसिपी। नानी जो थे मेरे फ्रेंड्स, उनके हाथ में माशाल्लाह इतना जायका था कि मुझे याद है कि जब हम लोग उनके वहाँ पर रहने जाया करते थे तो नानी के हाथ का मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है इतना कि मेरी एज क्या होगी, लेकिन इतनी चीज़ें याद है कि नानी के हाथ का मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी एग फ्राई। और आप यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, वो सिंपल सा जो कि घी में डालकर जो एग फ्राई करते हैं हम लोग, वो इतना टेस्टी था वो नानी के हाथ का वो एग फ्राई कि मैं आज तक मुझे वो याद है। और जब भी हम लोग जाया करते थे तो हम लोग बोलते थे, नहीं, नानी के हाथ का अंडा खाना है, नानी के हाथ का एग फ्राई खाना है। तो वाकई में, और नानी के हाथ का चिकन का सालन बोलो, मटन बोलो, चाहे फिश बोलो, माशाल्लाह नानी के हाथ में हमारी बहुत जायका था। और पहले के जो हमारी दादी नानियाँ होते थे ना फ्रेंड्स, उनके हाथ में एक अल्लाह के तरफ से वो एक कुदरती था और मिला हुआ गिफ्टेड था कि बहुत जायकेदार खाना बनाया करते थे हर कोई, किसी की भी दादी बोल लो, किसी की भी नानी बोल लो। तो वो तो मतलब है ना, मिस करते ही हैं। अब नानी तो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन नानी ने जो अपनी जो रेसिपी है वो पास ऑन किए मम्मी पर, और मम्मी ने हम लोगों को सिखाए। तो कभी भी ऐसे कुछ ऐसा इंस्टेंट बनाना होता है तो मैं फिर वही नानी वाला चिकन का जो सालन है मैं वही बनाती हूँ। बहुत जल्दी और बहुत फास्ट बनता है और बहुत ईजी है और बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। जब मैं बनाती हूँ तो दारिन और किंजा को भी बहुत मज़ा आता है। दारिन तो ऐसा एक निवाला लेता है और बोलता है, मम्मी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और उसका एक ये स्टाइल है, जब भी वो एक निवाला लेगा और उसको बहुत अगर पसंद आया है तो वो निवाला लेते ही ऐसा बोलता है, मम्मी बस वो ऐसे ही करता है। तो समझ जाती हूँ मैं कि इसको बहुत पसंद आया है करके। तो वाकई में बहुत अच्छा बनता है वो। और अभी आज दारिन और आकिब दोनों आ रहे हैं घर पर मीरा रोड से, अभी छुट्टियां हैं तो बस मैं बोली थी ना, इन लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा, तो मैं सोची अभी शाम तक वो लोग घर पर आ जाएंगे तो मैं झटपट से कुछ बनाऊं। तो क्या बनाऊं, तो चलो मैं बोली कि चिकन का ये जो नानी के स्टाइल का सालन है वही बना लेती हूँ। बच्चे नहीं थे घर में तो इतने दिन से मैं और दारिन के डैडी हम लोग सिर्फ ज़्यादातर भाजी खा रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि चिकन मटन इतना हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बस अब भाजी रोटी खाओ। तो मैंने इसी बीच में मैंने मेथी बना ली, मैंने तुरई बना ली, ने दो तीन भाजियां मैंने बना चुकी हूँ, दाल बना ली है हम लोग ने, तो यही सब चलता रहा। तो आज बच्चे आ रहे हैं तो मैंने बोली चलो आज मैं नानी के स्टाइल का चिकन का जो ग्रेवी है वो बनाती हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे ले ली हूँ मैंने कुकर बस ऐसी ही रखी हूँ मैंने, अभी गैस ऑन नहीं की हूँ। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले चिकन को धो के अच्छे से रख ली हूँ। यहाँ पर है ये 700 ग्राम चिकन, इसको डाल देंगे। यहाँ पे ली हूँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज, यहाँ पर है 2 टमाटर कटे हुए, चार हरी मिर्च। तो यहाँ पे ली हूँ मैंने खड़े गरम मसाले, जिसके अंदर है दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और बादियान, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर डालूंगी मैं 1.5 चम्मच। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी, यहाँ डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर आधा चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी तेल ये चम्मच के हिसाब से, ऐसे तो मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ लेकिन आपको बताने के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पर है ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, बस इतना ही तेल लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर एक गिलास पानी है, मैं इसमें डेढ़ गिलास पानी डालूंगी। ये गया आधा गिलास और यहाँ पर डेढ़ गिलास पानी है। इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं। और अब कर लेंगे गैस को ऑन। यहाँ पे हमें इसे 15 मिनट रखना है। 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, अब कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए चिकन अच्छे से हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और यहाँ पर ये मिर्चता है तली हुई प्याज, इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे नमक मिर्च चेक करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को दोबारा से ऑन कर ली हूँ और इसे हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन स्ट्यू बनके तैयार है। सो फ्रेंड्स, खाना पक चुका है, मेरी चिकन बनके रेडी है और अब मैं वेट कर रही हूँ दारेन और आकिब का। हो सकता है उन लोगों को आने में थोड़ा सा और वक्त लग जाए। तो चलो, खाना फाइनली हो चुका है और अपना जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप सो, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये चिकन की रेसिपी, नानी की चिकन रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।